जल्द ऐलान हो सकता है। फर्टिलाइजर के ग्लोबल प्राइस में तेजी की वजह सरकार जल्द फैसला ले सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेघना बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम ग्लोबली देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र प्राइसेस काफ़ी समय से बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बहुत ही पहले से फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट को फर्टिलाइज़र सब्सिडी का अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ा था। तो जो अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यूरिया फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो बजटेड अमाउंट है इस साल का लगभग 67,000 करोड़ रुपीज़, वो बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ करने का प्रपोजल है, जो कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आ सकता है। इसके अलावा जो पीएनके फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सब्सिडी का अमाउंट इस साल का रुपीज़ 42,000 करोड़ है, जो कि खरीफ सीज़न का लगभग 21,000 करोड़ होता है, जिसको बढ़ाकर खरीफ सीज़न को के अमाउंट को बढ़ाकर रुपीज़ 60,000 करोड़ करने की बात चल रही है, जिसका कैबिनेट नोट तैयार है और इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिव्यू किया जा रहा है एक्सपेंडिचर डिविजन द्वारा, क्योंकि उनको ये पूरा बढ़ा हुआ अमाउंट अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये कैबिनेट नोट आने वाले हफ्ते में ही आ सकता है और अप्रूवल के लिए डिस्कस हो सकता है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो याद रखिए, जो पूरे साल का जो फर्टिलाइज सब्सिडी का अमाउंट है 1.09 लाख करोड़, वो बढ़कर रुपीज़ 2.46 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये याद रखिए कि यूरिया का जो एमआरपी जो फार्मर्स को रिसीव होता है वो रुपीज़ 266 पर बैग है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस एमआरपी को फार्मर्स के लिए उतना ही रखा जाए, जिसकी वजह से यूरिया सब्सिडी का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पीएनके फर्टिलाइजर्स का भी इसलिए बिल बहुत ज़्यादा, जो सब्सिडी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा इस साल का। तो पीएनके और यूरिया दोनों की फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो प्रपोजल है वो लगभग तैयार है। जो कैबिनेट नोट है पीएनके फर्टिलाइजर्स का, वो इस हफ्ते आने की उम्मीद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र प्राइसेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो ये कब तक बढ़े रहते हैं ये देखना बाकी है, पर गवर्नमेंट एक्सचेकर का जो सब्सिडी का अमाउंट है वो अकोमोडेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बढ़ा हुआ।